हाय रोरीज, वेलकम टू पुष्कर। थैंक यू। मैंने आपको कल क्या बोला था जर्नी शुरू होने से पहले कि आप दोनों जो अभी रेड और ब्लू है, जो मैं लास्ट टाइम बोलने वाला हूँ, अपने गैंग्स के नाम मुझे बताएंगे। सोच लिया? Yes. क्या है आपका गैंग का नाम? ओम ब्लूज। गैंग ओम ब्लूज। आप लोगों का क्या नाम है गैंग का नाम? ब्रैट्स। ब्रैट्स। क्यों? सिंपल एंड शॉर्ट, एक ही वर्ड में सब समझ जाएंगे लोग। ऑलराइट, आप पुष्कर के मेले के दौरान यहाँ पे आए। अगर आप पीछे देखें तो पुष्कर का मेला चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पे लगभग 15 लाख के आसपास कैटल का लेन देन होता है। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है और यहाँ का बहुत ही स्पेशल टाइम है। इससे ज्यादा एनर्जी आपको पुष्कर में कभी नहीं मिलेगी। टास्क ये है आप लोगों को, आज मेले का लास्ट दिन है, यहाँ पे सफाई करनी है। सफाई। मेरे को ना बड़ी अजीब सी फील हो रही थी कि क्या टास्क होगा, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जो टीम ज्यादा सामान वापस लेकर आएगी, हम लोग, मेरे पीछे इंसाफ का तराजू आपको दिख ही रहा होगा, टोकरी है, उसके अंदर आप अपना माल भर के आएंगे और यहाँ पे रखेंगे। जिसका ज्यादा हैवी होगा वो गैंग जीत जाएगा। कैटल जहाँ पे होती है वहाँ पे दूसरी चीज सबसे ज्यादा क्या होती है? You are right. That's the task. Cattle dung या goo. आपको वो कलेक्ट करके लाना है। Oh my God, गोबर उठाना पड़ेगा। आप ये टास्क 20 मिनट के अंदर करेंगे। पहले एक गैंग करेगा फिर दूसरा, लेकिन एक गैंग के अंदर भी वो दो पार्ट्स में बटेगा। तो चार लोग हैं वो किसी भी तरह का गोबर उठा के ला सकते हैं। जो बाकी तीन होंगे उनको अभी इसी वक्त का फ्रेश गिरा हुआ या निकलता हुआ या निकलने वाला गोबर लेकर आना है। तो टास्क हमको दिया गया था टू कलेक्ट दिस शिट, फ्रेश शिट एंड ड्राई शिट, शिट ऑफ द एनिमल्स। और एक और चीज थे वो ग्लव्स, वो मैं भूल गया। तो ऑब्वियसली आपको अपने हाथों से सब उठाना पड़ेगा। आई एम सो वेरी हाइजीनिक, मैं इतनी ज़्यादा मशी किस्म की लड़की हूँ। आई वॉज सो टेंस कि मैं गोबर को छू भी पाऊंगी क्या, मैं टास्क कर भी पाऊंगी क्या। फायदा ये है कि अगर आप फ्रेश गोबर उठा के लाए या निकलता हुआ पकड़ के लाए, आपका जो वेट होगा वो डबल काउंट किया जाएगा। सूखा तो चलता है उठा के कर देंगे, गीला तो हाथ में भी लगेगा, गीला कैसे उठाएंगे? जो तीन लोग डिसाइड किए हैं जो फ्रेश लेकर आएंगे वो सूखा नहीं उठा सकते। करेक्ट? या जाना चाहते हो कितने पैसे जीत सकते हो इस एक टास्क में? Yes. रोडीज के पहले मनी टास्क में आप 50,000 रुपए जीत सकते हो। जब रणविजय टोल्ड अस कि इट्स 50,000 मैन, इतना अच्छा लगा था कि यार चल 50,000 रुपए तो कुछ आए यार, 50,000 में बहुत कुछ हो जाता है। Who's gonna go first? We. पहली टीम जाएगी उसको ज्यादा एडवांटेज होगा टू पिक दोस शिट्स। मेरे पास दो चिट्स हैं, एक पे 1 एक पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आपके गैंग का कैप्टन कौन है आज? सम्राट। और आपके गैंग का? प्रदीप। सम्राट हाँ जी, आप बताइए आपकी टीम में कौन 4 है कौन 3 है? एक चेंज कर रहा हूँ मैं, न्यूमन गीला आ जा, तू सूखा कर ले। ठीक है, सिर्फ लड़कियाँ हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो कि कैप्टन कह रहे मान ले। सम्राट ने बिना हमसे डिस्कस के स्वैप कर दिया। व्हाट द He should have told us before doing this. Discuss karni chahiye thi. That guy looks very intelligent, but he is very slow. He thinks very slowly. Aaiye, captains, pick it up. First. And hamara number 2nd aa gaya. 2 minute ke liye we were feeling down ki kyunki jitna bhi डंक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वो लोग उठा के चले जाएंगे और हमको ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। ये टोकरियां देख रहे हैं, जो भी टीम जाएगी 2 टोकरियां लेके जाएगी। हाँ। 4 एक टोकरी और 3 एक टोकरी, राइट? पूरे टास्क के दौरान आप में से कोई भी भागेगा नहीं। और जो टीम 20 मिनट के अंदर ज्यादा गोबर इकट्ठा करके ले आई वो टीम जीत जाएगी। आर यू गाइस रेडी? टोकरियां उठा लीजिए। मुझे देव और पॉलिमी से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इस टास्क में जीतेंगे। देव तो वो भाग नहीं सकता, कैसे भागेगा? पलक की किसी के साथ बनती तो है नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो सकता। जब कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और टीम में पॉलिमी भी है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बेस्ट लक। 3 2 1 गो।
जैसे हमारा टास्क शुरू हुआ तो हम लोगों को थ्री बॉयज को वेट टॉयलेट कलेक्ट करना था। हम लोग गए, मैं, देव और सम्राट भागने लगे। हम सोचे कि मेले की तरफ जाएंगे क्योंकि पशु का मेला था, तो वहाँ पे ज्यादा गोबर मिलेगा क्योंकि वहाँ पे पशु रहेंगे। Keep your eyes open, guys. Don't just keep running. यहाँ पे देखना गीला, गीला यहाँ पे देखना, हाँ देखना ये। नमन ने पहले ही मेरे को दिखाया एंड आई वॉज डेस्परेट टू डू द टास्क, तो मैंने पहले ही करके रख दिया। जल्दी आ जा, फॉलो गर्ल्स, जल्दी जल्दी पड़ा उठाओ गर्ल्स, ये डाल यार। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम गोबर को छुआ तो मैं गोबर छू रही, मुझे तो बहुत चीची मच गई थी। कहीं कैमल का था, कहीं कोई बकरी बुकरी का होएगा, वैरायटी ऑफ शिट थी। चलो चलो कम ऑन बोला। As usual, हमें पता था जो वही होना था। पलक हमें डोमिनेट करने लगे, वही हमें लीड करने लगे। Follow me जल्दी, come on. मैं बोल रही हूँ आ जाओ यार, तुम क्यों मेरा, तुम मेरा सुनोगे तो बात होगी। सब जगह जा वही जा रहे थे, वही हम जा रहे थे। मैं सभी जानवरों की पूंछ उठा उठा कर देख रहा था कि कहीं वो अपना एक्सक्रीटा अपना वेस्ट करके उस पर बैठे हों। और देव हमारा जो एक्सपर्ट था वो बोल रहा था मुझे चेक करना आता है, उंगली डाला था अंदर, बोल रहा है निकाल के, बोल रहा हाँ ये फ्रेश है। और ये उंगली डालते डालते हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे थे। और एक जगह तो जहाँ पे मेरी हालत खराब हो गई वो तब जहाँ पर पता नहीं वो कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा था या फिर कोई कुत्ते का एक्सक्रीटा था। इट वॉज डिस्गस्टिंग। कोई गीला मत उठा उनके लिए, गीला मत उठा, उन्होंने बोला उठा के डालो तुम यार, ये उनके लिए, अरे उनके लिए, अरे यार ये नहीं बेटा, और यार वो डी हेले से स्टेल पुक नहीं होगा काउंट यार। हम लोग जब गोबर कलेक्ट कर रहे थे तो सडनली मेरे और वरिषा और पॉलीमा के बीच में और तमन्ना के बीच में फाइट हो गया गीला गोबर को लेके। मैंने सोचा था कि शायद पलक गलत कह रही है, वैसे बॉसी एक्ट कर रही है, तो मैंने गुस्से में आके पलक से ये कह दिया था। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वोट आउट कर दूंगी, वोट आउट कर दूंगी। मुझे लग रहा है रोडीज की किंग बनने जा रही है, आई थिंक सो। रणबीजा ने खुद बोला था गीला लेके आओगे तो डबल नहीं होगा, लेकिन गीला हां 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 बोला बोला सॉरी। तुम मुझे गालियां दे रहे हो, वोट आउट करोगे, ओके मैं बड़ा लव वोट आउट ठीक तू नहीं आती, वोट आउट वोट आउट वोट आउट। टाइम क्या हुआ टाइम, अरे 5 मिनट्स लेफ्ट ओनली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बस हो गया 5 मिनट्स, बस चलते हैं। एंड देन आफ्टर व्हेन वी वर फाइनली कमिंग बैक, वहां पे बोले तो 500,000 किलो जितना वो उसका शीट का पूरा वो पड़ा था। I couldn't believe it. मुझे ऐसा लगा जैसे खजाना मिल गया हो, वो खुशी से मैं पागल हो गया था कि भाई अब तो टास्क हमारे फेवर में, हम लोग जीत ही जाएंगे। सम्राट रिमोट बस 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 आजा। सही में सोने को देख के कभी इतना खुश नहीं हुआ, और पहले ये रोडीज में ही ऐसा लोग थ्रिल आ रहे हैं कि कोई जो है वो गाय का गोबर देख के इतना इतना खुश हो रहे हैं। लड़के नहीं आ रहे थे, हमें लगा विल गेट डिस्क्वालीफाई, लड़के बहुत दूर चले गए थे। उस पूरी भारी टोकरी को लेके जाना रेत में बहुत मुश्किल था। धूप एकदम जोर की थी, मैं देव और सम्राट साथ में उठाने लगे, और हाफ डिस्टेंस आने के बाद देव की सांस फूल गई थी, भागना छोड़ो वो चल भी नहीं पा रहा था। दूर से हमने देखा देव से तो बेचारे से भागना तो दूर, चला भी नहीं जा रहा था। जब वो चल रहा था उसके हिल रहे थे, उसके सारी जगह की फ्लैश हिल रही थी। 15, 14, 13. When he entered our spot, he was fainted. No stamina in that banda yaar, he hogs like hell, he doesn't work out, he is a waste on this show.